Assalamu alaikum everyone, this is our lecture number 41 relevant to algebraic expression and factorization. Our expansion is relevant to our exercise. Algebraic expression and factorization is the first of our algebraic topics. So you expand your algebraic expression, expand this. So before doing these examples, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं समझती हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्सपेंड करने का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेशन को आप कैसे एक्सपेंड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x² + 3y, एंड दिस इज ओनली, ये एक्सप्रेशन क्या है आपकी, बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, दो टर्म्स हैं इसकी, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी एक्सपेंड है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसका एक्स लगा दूँ और इसको इस तरह से लिख दूँ मैं x 4x + 3y, एंड दिस इज यूनिंग, इसमें इसको ये भी आपकी ये एक्सप्रेशन ही है, लेकिन ये एक्सप्रेशन पूरी एक्सपेंड होकर नहीं लिखी गई है, इसमें आपको ब्रैकेट्स होकर आए, जो आपकी एक्सप्रेशन जो ऑलरेडी एक्सपेंड हो उसकी निशानी ही है, उसमें ब्रैकेट्स नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट्स कब होती है कि आपकी ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में ब्रैकेट्स के थ्रू सेपरेट हो रही हैं। ये काम नहीं होगा तो आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड होगी, सही है। और ये एक अलग एक्सप्रेशन है और ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखी है। इसका फैक्टराइज फॉर्म की निशानी मैं कुछ ऊपर जब उस टॉपिक पर आएंगे तब हम तब बात करेंगे फैक्टराइज क्या होता है। जस्ट एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए कि रिमूविंग ब्रैकेट्स from your expression is actually expanding your expression. अब आपने किस तरह से रिमूव करना, ऐसे नहीं करना कि ये लिखी हुई तो बस आपने हटा दी हो, बस ये 4x + 3 और आप कह रहे हो मैंने रिमूव कर दी, दैट्स इट, नो। इसका भी रूल है, यानी कि अगर आपने अपनी ब्रैकेट्स को रिमूव करना है तो उसका एक प्रॉपर रूल है। अब वो रूल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन करते हैं आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका 3xy, ठीक है, 3xy और अंदर लिखा हुआ है x² + y², कहा जा रहा है कि एक्सपेंड दिस, सो लिखा हुआ है एक्सपेंड दिस। तो आपने क्या करना है इसको एक्सपेंड करने के लिए, आपने सबसे पहले देख करना ये है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आपकी एक टर्म है और यहाँ कितनी टर्म्स हैं, अंदर दो टर्म्स हैं, ये आपस में सेपरेट हो रही है इस ब्रैकेट से। इसका मतलब है कि अंदर आपकी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है, जितनी मर्जी टर्म्स हैं, बाहर जो आपकी एक्सप्रेशन लिखी होगी या एक सिंगल टर्म लिखी होगी वो उन सब से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि ये 3xy इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3xy इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सपेंड हो जाएगी, ब्रैकेट रिमूव हो जाएंगे। करके देखते हैं, ये 3xy मैंने लिखा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का एक छोटा सा नंबर डालें और ये x² लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपने जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे चेक करने की इसका जो आपकी जो बाहर जो टर्म लिखी है उसके साथ साइन क्या है। अगर साइन प्लस ही है तो डोंट वरी, अगर साइन माइनस है तो फिर अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन आपने अगर प्लस है तो माइनस करें, माइनस है तो प्लस करें, साइन चेंज करें। आप लोगों को सब कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, अभी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। जब आपने इस टर्म को अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी उनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है कि जो कोफिशिएंट के साथ साइन हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स प्लस है ना, फिर डोंट वरी, अंदर जो भी साइन चल रहा है आप उसी को रहने दें। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता माइनस तो आपने क्या करना था, अंदर वाली ब्रैकेट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई तो करना था लेकिन जो उनके साइंस थे वो भी चेंज करने पड़ते हैं। आपको यहाँ प्लस लिखा हुआ था, आप यहाँ पे क्या करते थे, ओवरऑल पूरा माइनस करते थे, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखा होता तो उसको भी माइनस करते। सिमिलरली और जितनी भी टर्म्स होती उनके साथ भी यही रूल लगता। तो अब आपने क्या किया, आपने इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर क्योंकि प्लस साइन था मेरे पास, आई डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, फिर प्लस का सिंबल लिखा, उसके बाद आपने क्या किया कि दोबारा से ही लिखा, क्योंकि ये आपके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है 1000 टर्म्स होंगी, 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किया आपने y² के साथ। अभी भी ये प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ, उसको हम मजीद सॉल्व करेंगे।
अब आपने याद रखने वो सारे रूल्स जो मैंने आपको छोटे छोटे सिखाए थे. आपने देखा ये x है और ये x है और ये दोनों x वेरिएबल्स बेसिस सेम है. इसकी एक्सपोनेंट ये पावर 1 है, इसकी 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी. यानी 3x 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपने लिखा 3. अब आपने देखा x तो मजीद और नहीं है ना, x y और y दोनों बेसिस सेम है ना, इसकी एक्सपोनेंट पावर 1 है, इसकी 2 है और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. मैंने कहा था अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो बेसिस और वो सेम भी हो, वेरिएबल सेम हो, तो उनकी पावर्स एड या सबट्रैक्ट होगी. इसके पीछे हमने पूरे एक्सपोनेंट्स का रूल पढ़े लेक्चर नंबर 38 में मैंने आपको बताया. अच्छा ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा. तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई है. अब मेरी ये जो ऊपर आपको गिवन था ना एक्सपेंड, तो ये एक्सपेंड हो चुकी है, इसमें से मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया है. दिस इज द वे ऑफ रिमूविंग ब्रैकेट्स. एक और ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपको जरा डाइजेस्ट मुश्किल से होगा, एक जरा सा आंसर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है 4x प्लस 3y प्लस 7 डी के साथ. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये आपकी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है. अब आपको कहा जा रहा है कि इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे आप, इसके ऊपर परेशान ना हो, पूरी जब हम एग्जांपल्स और हर चीज़ करेंगे तो थोड़े थोड़े रूल्स में तब भी आपको बताऊंगी. फिलहाल आप देखें कि यहाँ पर जिस सिंगल टर्म बाहर लिखी है ना, तो आपने इसको इसके साथ इन तीनों के साथ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगे. क्या करना है आपने, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है इससे डोंट वरी अबाउट दीज साइंस, प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 3y देन प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 70, यानी कि ये ए बी सी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ब्रैकेट्स रिमूव हो गई. अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. तो लिखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले कोफिशिएंट लिखो, देन आप वेरिएबल्स लिखो, उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, यानी कि जो जिस तरह जो चीज़ पहले आई है आपके पास, ए पहले होता है तो ए पहले लिखेंगे, बी सी एंड देन एक्स लिखेंगे. इस तरह से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इसके साथ तो पहले कोफिशिएंट्स भी आएगा एंड देन ए बी सी वाई, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर यह हो जाएगा कोफिशिएंट पहले 7 ए बी सी और ये डी तो ऑलरेडी पता है आपको, फोर्थ नंबर पर आता है. तो दिस इज द वे. अभी तो खैर मैंने आपको और मजीद बहुत डिटेल है एक्सपेंशन से रिलेवेंट, थोड़ी सी जैसे एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, हम एग्जांपल्स करेंगे तो सब समझ में आएगा आपके. ब्रैकेट्स को रिमूव करना, उसका रूल देखिए आपने किस तरह से करना है. ऐसे रिमूव नहीं कर देना बल्कि वो बाहर वाली टर्म अंदर ब्रैकेट्स के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी. सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 41. होपफुली आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आया यू कैन आस्क. Show comments. Thank you so much for watching.